अगर आप वो की क्विक डिसीजंस नहीं लेंगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे और वो तभी मुमकिन होगा जब प्रॉब्लम को मालूम होते ही प्रॉब्लम का पता लगते ही इमीजिएटली यू विल गो आउट फॉर इमीजिएट सोल्यूशन रादर देन कि आप ये ढूंढना शुरू कर दें कि किसकी वजह से यह प्रॉब्लम हुआ क्यों ये प्रॉब्लम हुआ किसको ब्लेम देना है तो द वन ऑफ द मेन टिप्स इस पॉइंट के अंदर ये है कि आपने यू नीड टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम इमीजिएटली उसके ऊपर वर्कआउट करना है करने रान फाइंडिंग आउट कि ये क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ ऑफ कोर्स यू नीड टू डायग्नोस ताकि वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो लेकिन द फर्स्ट थिंग इज टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ इट नेक्स्ट और लास्ट टिप हमारे पास मौजूद है दैट इज एक्टिवली लिसन बहुत इंपॉर्टेंट बात यू नीड टू लिसन ऑल योर स्टेक होल्डर्स जब हम यहाँ ऑल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो वो बेशक कस्टमर है, वो इम्प्लोई है वो सप्लायर ऑफ़ प्रोडक्ट है या वो सप्लायर ऑफ सर्विसेज़ है तमाम लोग जो कि किसी भी तरीके से आपके इदारे के साथ आपके रिटेल स्टोर के साथ कनेक्टेड हैं वो तमाम लोगों को यू नीड टू एक्टिवली लिसन, बिकॉज एवरी वन विल गिव यू फीडबैक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव जब इस तरीके से सैनैरियो होगा आप सब लोगों को सुन रहे होंगे ऑफकोर्स यू यू विल बी एबल टू मेक वेरी गुड यू नो रिजल्ट वेरी गुड डिसीजन आउट ऑफ इट जब आप ऐसा करेंगे रिजल्ट अच्छे आएंगे रेवेन्यू इंक्रीज होंगे कस्टमर हैप्पी होगा और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली इंक्रीज होगी सो so आपको क्या करना है तमाम पॉइंट्स को इवेल्यूएट करना है कैसे कर सकेंगे जब आप लोगों को सुनेंगे सो so इवेल्यूएट करेंगे जहाँ पर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होगी वहाँ एडजस्टमेंट करेंगे जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वहाँ पर इम्प्रूव करेंगे जहाँ पर मेंटेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर मेंटेन करेंगे और इसी तरीके से हम एक अच्छा रिटेल स्टोर इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकेंगे ज़्यादातर केसेस के अंदर जब हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि कस्टमर का फीडबैक तो लिया जाता है लेट्स वन एग्ज़ाम्पल आप एक स्टोर के ऊपर गए आपने कस्टमर फीडबैक फॉर्म फिल किया लेकिन कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आपको उस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर से दोबारा कॉल आई आपके फ़ीडबैक के ऊपर क्या आपने सर फीडबैक दिया था आपने कम्प्लेंट की थी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या आपने कोई फीडबैक दिया था इस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए थैंक यू फॉर दिस सजेशन और वी आर सेंडिंग यू सम समियर और वी आर सेंडिंग यू सम गिफ्ट ऐसा कभी आपने ऑब्जर्व किया अगर मैं इंटरनेशनल परस्पेक्टिव में देखता हूँ सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक की बात बेशक वो डॉक्यूमेंटेड हो बेशक वो अनडॉक्यूमेंटेड हो इफ़ यू हैव गिवन अ फीडबैक तो एक्चुअली एक रिटेलर के लिए ये एक बिल्कुल लाइफ लाइन है क्योंकि अगर एक कस्टमर अनहैप्पी है और वो आपको कोई बात बताए बगैर चला गया आपके पास से विच मीन्स यू हैव लॉस्ट अ कस्टमर एंड यू डोंट नो द रीज़न एंड इफ़ यू डोंट नो द रीज़न यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट नो द प्रॉब्लम तो इस केस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है उस कस्टमर की फीडबैक को लेना उस कस्टमर के फीडबैक के ऊपर उसको दोबारा फीडबैक देना उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना एग्जाम्पल एक रेस्टोर रिटेल स्टोर के अंदर आप गए आपको वहाँ आपने कोई प्रोडक्ट बाई किया और उसकी प्राइस आपको ओवरचार्ज हो गई आपने उसकी कंप्लेन प्रॉपरली की उसके लाइन मैनेजर को अब अगर योर प्रॉब्लम इज़ एड्रेस्ड इमीजिएटली दे हैव लिसन योर पॉइंट इमीजिएटली यू है प्रोवाइडेड यूर सोल्यूशन इमिजिएटली एंड देन इस केस के अंदर अगर आपको उन्होंने मुतमिन किया है एज ए कस्टमर तो ये बेस्ट पार्ट है लेकिन अगर वो आपको मतम नहीं कर सके हैं और हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूज फॉर यू कि सर ये हमारे से मिस्टेक हो गई थी वी कैन नॉट सॉल्व देट प्रॉब्लम फॉर यू या सर ये हमारे डोमेन में नहीं आता और बट सोवर इट इज़ या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है या जो मैनेजर इन है जो ये ये काम कर सकता है वो ड्यूटी में मौजूद नहीं है सो so whatever is इज़ द एक्सक्यूज़ कस्टमर विल नॉट टेक एनी एक्सक्यूज़ सो एज़ ए रिटेलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कस्टमर को सुने बेशक वो फीडबैक फॉर्म के थ्रू हो बेशक को वन ऑन वन कस्टमर फीडबैक हो उस फीडबैक के ऊपर यू नीड टू इवेल्यूएट यूर आपने देखना है कहाँ कहाँ आपने करेक्शंस करनी है उन करेक्शंस को करें उन करेक्शंस को उन पॉइंट्स को इम्प्रूव करें और दैन कोशिश करें कि मेक श्योर करें कि ये चीज़ें ये मिस्टेक्स दोबारा किसी तरीके से ना हुँ. और नॉर्मली जो रिटेलर जो हैं वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा ये काम करते हैं कि वो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं फोकस ग्रुप क्रिएट करते हैं एंड देन दे नॉर्मली लिसन टू देयर ऑल स्टेक होल्डर्स एक एम्प्लॉई फोकस ग्रुप एक सप्लायर्स फोकस ग्रुप एक कस्टमर्स फोकस ग्रुप डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों का फोकस ग्रुप डिफरेंट जेंडर्स के लोगों का फोकस ग्रुप एंड द ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू लिसन कस्टमर्स अगर आप कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से सुनेंगे अगर आप एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं अगर आप अपने सप्लायर्स को प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं अल्टीमेटली एज अ रिटेलर देर इज़ देर इज़ वेरी लेस चांस दैट यू विल फॉल और अगर ऐसा नहीं अगर ऐसा है कि आई यू आर केयर ऑफ एवरी वन फॉर श्योर यू विल एबल टू हैव वेरी गुड बिजनेस लॉन्ग रन के अंदर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप वेरी गुड रिलेशनशिप ऑन टॉप और अल्टीमेटली इट विल गिव यू मोर प्रॉफिटेबल बिज़नेस एट द एंड ऑफ द डे